अब हम सेकंड टॉपिक से स्टार्ट करेंगे फुटनोट्स के बारे में। फुटनोट्स क्या बताते हैं? फुटनोट्स हमें बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दी जाती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्फॉर्मेशन नंबर्स के टर्म्स में दी जाती है, बट फुटनोट्स में इन्फॉर्मेशन दी जाती है सब्जेक्टिव, कि कौन सी पॉलिसीज यूज हो रही हैं और कौन सी अनसर्टनिटीज हैं जो कि कंपनी को काफ़ी हर्ट कर सकती हैं लॉन्ग टर्म में। फुटनोट्स हेल्प करते हैं असेसमेंट करने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वो हमें बताते हैं कि कितने अमाउंट, कितने टाइम पे और कितनी अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं फ्यूचर्स में, जिससे कि जो कंपनीज के ऑपरेशन हैं वो काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल जो फुटनोट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। द फुटनोट्स हेल्प इन discussing the basis of preparation covered by the statements. Basically, footnotes base होते हैं जिसके जिस पे financial statement की presentation base होती है. Footnotes also provide us accounting methods and estimates that has been used in preparing financial statements. देखो, बहुत information जो कि accounting methods और estimates के बारे में financial statements से नहीं पता चल सकती, वो footnotes में mention कर दी जाती है। फुटनोट्स और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स के बारे में बताते हैं, बिजनेस एक्विजिशंस के बारे में बात करते हैं, डिस्पोजेबल ऑफ एसेट्स की बात करते हैं, सेल्स टू रिलेटेड पार्टीज की बात भी करते हैं, और सेल और बिजनेस परचेज अगर कोई कंपनी ने की है तो ये भी चीज़ें काफ़ी मैंशन करी जाती हैं फुटनोट्स के अंदर। मैनेजमेंट कमेंट्री के दो और भी तरीके हैं, जैसे आप मैनेजमेंट कमेंट्री देख सकते हैं, मैनेजमेंट रिपोर्ट भी कहते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री को, और फाइनेंशियल रिव्यू भी कहते हैं। IFRS की गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं कि मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में ये कुछ चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, जैसे कौन सा परफॉर्मेंस मेजर यूज़ हुआ है, रिस्क क्या है कंपनी का, की रिलेशनशिप्स क्या हैं, पास्ट में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस किया और कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है। कुछ पार्ट्स होते हैं मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के जो कि ऑडिट नहीं होते, तो हम बेसिकली जो भी चीज़ें ऑडिट नहीं होती उन पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, बट ये जो इंफॉर्मेशन होती है काफ़ी सब्जेक्टिव होती है, तो इसको ऑडिट करना थोड़ा सा टफ होता है। जो SEC होती है, जैसे हमारे इंडिया में SEBI होती है, US में SEC होती है, SEC रेगुलेट करती है कि मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में कुछ तरह की चीज़ें डिस्कस करी जानी चाहिए, जैसे कि बिजनेस के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्या कोई सिग्निफिकेंट इवेंट है जिससे कि कंपनी के ऑपरेशन इफेक्ट हो सकते हैं, कोई ऐसी अनसर्टेनिटीज जो कि लिक्विडिटी और कैपिटल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, तो SEC कहता है ऐसी कोई भी चीज़ें होती हैं वो मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में मेंशन करनी बहुत ज़रूरी होती है। बात आती है अनसर्टेनिटीज की, अनसर्टेनिटीज लिक्विडिटी के रिलेटेड भी हो सकती हैं, जैसे कि क्या कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट कर पा रही है, क्या कंपनी के पास क्या इतने लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं कि वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे कर सकती है, और क्या कैपिटल रिसोर्सेज पे चेंजेस हुए हैं। कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं कि कंपनी अपनी जो नीड्स हैं वो कैसे पूरी करती है, फाइनेंस की, जैसे इक्विटी से भी कर सकती है, डेट से भी करती है, तो जो भी चेंजेस होते हैं कैपिटल कंपनी के कैपिटल चेंजेस होते हैं वो मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में रिपोर्ट करना जरूरी होता है। मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं, जैसे इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस सपोज करो इंक्रीज होते हैं तो वो मेंशन करे जा सकते हैं, कोई ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटीज हैं कंपनी की वो भी मेंशन करनी ज़रूरी होती है, अकाउंटिंग पॉलिसीज जिसमें काफ़ी ज़्यादा मैनेजर्स की जजमेंट लगती है, कुछ ऐसे बड़े एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में होने वाले हैं वो भी इनके अंडर मेंशन करे जाते हैं। अब बात करते हैं ऑडिट की, ऑडिट बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि बिना ऑडिट के कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाय नहीं करा जा सकता। इंडिपेंडेंट रिव्यू, ऑडिट से क्या होता है, इंडिपेंडेंट रिव्यू किया जाता है एंटिटी का, एक ऑडिटर आता है जो कि मैनेजमेंट के ऑपरेशंस देखता है, उसके बेस में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को चेंज करता है अगर उन्होंने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं करी, जहां उनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होती हैं। तो बेसिकली ऑडिट के थ्रू इन्वेस्टर्स कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रस्ट कर सकते हैं।
ऑब्जेक्टिव जो ऑडिट का होता है वो होता है ओपिनियन देना, ओपिनियन, ऐसा ओपिनियन जो कि फेयर हो और रिलायबल हो। फेयर मतलब सच हो और रिलायबल मतलब जब इन्वेस्टर्स अपना डिसीजन लेते हैं कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो डिसीजन यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के पता चलना चाहिए कि क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ऑडिटर्स काफ़ी चीज़ें एग्जामिन करते हैं, जैसे कंपनी की अकाउंटिंग, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और ये भी डिटरमाइन करते हैं कि कंपनी की मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ऑडिट ओपिनियन को मैंने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक जो ऑडिट ओपिनियन का पार्ट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट के बनाती है और मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो मिसस्टेटमेंट्स होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। और दूसरा पार्ट है कि कंपनी का जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट रिव्यू करे। ऑडिट ओपिनियन के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ऑडिटर शुड बी सैटिस्फाइड बाय द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर शुड बी सैटिस्फाइड दैट द कंपनी हैज फॉलोड ऑल द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स व्हाइल मेकिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल और जो एस्टिमेट्स हैं कंपनी के वो बहुत रीजनेबल होने चाहिए, उनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना एक कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है जब भी वो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाती है। और ऑडिट के लिए, ऑडिटर के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि कंपनी जो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है वो डेविएट नहीं कर रही उनको फॉलो करने में। ये भी हो सकता है कि कंपनी ऐसे इस तरीके से स्टैंडर्ड्स फॉलो करे जो कि, क्योंकि कई स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं तो मैनिपुलेशन और जजमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और लास्ट में जो ऑडिट ओपिनियन के पार्ट में है कि रीजनेबल इंश्योरेंस प्रोवाइड करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मटीरियल एरर नहीं है। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन। ऑडिट ओपिनियंस के बेस पे इन्वेस्टर को पता चलता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है, और अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होती भी हैं तो वो डिफरेंट तरीके से रिपोर्ट करी जाती हैं। 4 तरह के ऑडिट ओपिनियंस होते हैं। सबसे बेस्ट होता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन बताता है कि स्टेटमेंट्स फ्री है एरर और फ्रॉड से। उसके बाद आता है क्वालिफाइड ओपिनियन कि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करे गए, इन्होंने कई एक्सेप्शंस लिए हैं, इन्होंने शॉर्टकट्स लिए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए, जिससे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पूरी तरीके से रिलाय नहीं किया जा सकता। एडवर्स ओपिनियन में होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो फेयरली प्रेजेंट नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसी वजह से एडवर्स ओपिनियन दिया जाता है। जब भी एडवर्स ओपिनियन दिया जाता है तो जो फाइनेंशियल, जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं कंपनी के, वो काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट होते हैं। और काफ़ी बारी देखा है जब भी अनक्वालिफाइड के अलावा कोई ओपिनियन दिया जाता है तो शेयर प्राइस डिक्लाइन हो जाता है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में ऑडिटर के पास इतना ज़्यादा डेटा नहीं होता कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए। कई बार डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इसलिए भी दिया जाता है कि मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश करती है और सारी इंफॉर्मेशन नहीं देती, जिससे कि ऑडिटर सेटिस्फाई हो सके कि कंपनी ने कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं करी है।